भारतीय विंग कमांडर अभिनंदन की पाकिस्तान से वापसी पर बीजेपी के सीनियर नेता कमल शर्मा का कहना है कि उनको खुशी है कि दुश्मन देश से उनके लड़ाकू जहाज को मात देकर हमारा फौजी जवान विजय होकर देश लौट रहा है। पूरे देश के विच खुशी की लहर है, असी उड़ीक रहे सी कि कदों साडा जांबाज जिहड़ा है वो वतन वापस आंदा है। सो असी उहदे स्वागत वास्ते तैयार हाँ सारे, और वाघा बॉर्डर तो उन्होंने हिंदुस्तान के कदम रखना है, जो दसिया गया कि 4 बजे के लगभग वो बॉर्डर क्रॉस करेंगे। सो सानू इस गल की पंजाब वासी होंदे नाल ते खुशी है कि साडा जो सपूत वापस परतेगा ते पंजाब की धरती से, श्री अमृतसर साहब की धरती से वो कदम रखेगा। अभिनंदन जी का दिल दियां गहराइयां तो रोम रोम तो असी स्वागत करते हैं। सारे भारतवासी उस महान सपूत दे मैं समझदा करजाई ने, जिसने पाकिस्तान दे विच जाके एक बहुत ही हाई टैक्नोलॉजी का विमान जिन्हों F-16 कहने ना सिर्फ मार सुटिया बल्कि जदों उन्हों उत्थे गिरफ्तार किया गया तो उसने बड़ी दलेरी दे नाल ये आख्या कि मैं भारती का सबूत हाँ, मैं विंग कमांडर अभिनंदन हाँ। और ऐसे अभिनंदन नूं देश सारा अभिनंदन कर रहा है। और मैं तो एक गल होर, जिस तरह कमल जी ने भी पहला कहा सी कि जिस वेले अभिनंदन जी देश की धरती उत्ते पैर तरन, उस वेले सारे देशवासी जिहड़ी मर्जी हालत दे विच बैठे हुण, चाहे कोई बिजनेस एस्टैबलिशमेंट से बैठा अपनी, चाहे कोई सर्विस कर रहा, चाहे कुछ भी कर रहा, वो खड़े होके भारत माता की जय, वंदे मातरम इत्यादि दे जय घोष करके उस महान सबूत का स्वागत करना चाहिए। और इस दे नाल उसनू स्टैंडिंग ओबेशन जिहड़ी है, मैं समझदा सारे देशवासी खड़े होके ये करन, बहुत ही मन नू सुखावां ते मन नू लगेगा, अच्छा लगेगा।